नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। आपने लखनऊ में शिवरी का नाम तो सुना ही होगा, पर शिवरी महज एक कूड़ा निस्तारण केंद्र ही नहीं बल्कि एक व्यवस्था है जिसको लापरवाही और कर्तव्य निष्ठा दोनों से रूबरू होना पड़ा। पर अब शिवरी महज कूड़ा प्लांट नहीं बल्कि एक परिवर्तन केंद्र बनने की कगार पर है। तो जानिए शिवरी की कहानी, शिवरी की जुबानी। देखिए सी न्यूज भारत की ये खास रिपोर्ट। मैं शिवरी हूँ, कहने को एक गांव जो राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पार्क पर स्थित है। पर मेरे आंचल में एक दशक पहले एक व्यवस्था का समावेश हुआ जिसके चलते एक छोटा सा गांव होने के बावजूद मैं चर्चा में आ गया, जिसके कारण मेरे नाम को लोग शिवरी से ज्यादा शिवरी प्लांट के नाम से पहचानने लगे। कारण था शिवरी कूड़ा निस्तारण प्लांट, जिसके माध्यम से मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश का दिल यानी राजधानी लखनऊ की 40 लाख की आबादी को सुरक्षित और स्वस्थ रखने की, जिसके लिए प्रयास भी बहुत किए गए पर नाकाफी रहे। आपको बता दूं कि देश को स्वच्छता अभियान के माध्यम से साफ बनाने का प्रयास लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात ये अभियान एक मुहिम के तहत चलाया जा रहा है। पर जब बात देश के सबसे बड़े सूबे की करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी और कम क्षेत्रफल के चलते चुनौतियां बड़ी हैं। यूं तो मैं एक दशक पहले शुरू किया गया था पर गलत कंपनी के चयन और अनदेखी के चलते मैं चर्चा में आ गया था। कई कंपनियों को मेरी व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी में आजमाया गया। मामला वही था ढाक के तीन पार। अंत में मेरी यानी शिवरी कूड़ा निस्तारण प्लांट की व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी गंभीरता से उठाते हुए लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, महापौर सुषमा खरकवाल, अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राव और पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान ने उम्मीद से बेहतर परिणाम लेकर दिखा दिया कि शिवरी केवल एक कूड़ा निस्तारण प्लांट ही नहीं बल्कि मेहनत, लगन, निष्ठा और बेहतर योजना के मिसाल बनने की ओर अग्रसर है। पर मेरी नई बनती बेहतर मिसाल के पहले आपको मुझे ही जानना होगा, क्योंकि लखनऊ और उत्तर प्रदेश वासियों ने मेरा नाम तो सुना होगा पर हूँ कैसा, मेरा विस्तार कितना है, मैं काम कैसे करता हूँ, इसके लिए जानिए मेरी व्यवस्था और मेरी इस व्यवस्था को दिखाने की जिम्मेदारी उठाई सी न्यूज भारत के संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने। आपको बताते चले कि लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर स्थित एक स्थान पर लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैले कूड़े के पहाड़ मेरी कहानी को बयां करने के लिए काफी हैं। पर लगातार हुई लापरवाही के बाद मुझको संभाल लिया गया और मुझे संभालने की जिम्मेदारी ली नगर निगम और उनके साथ भूमि ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अब जान लेते हैं जिम्मेदारी और व्यवस्थाओं की प्रक्रिया को। सबसे पहले घर घर कूड़ा कलेक्शन अभियान के तहत कूड़े को दो भाग यानी गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा में बांटकर 25 किलोमीटर के लंबे रास्ते को तय करने के बाद मेरे क्षेत्र यानी शिवरी प्लांट पहुंचाया जाता है। अगर हम कूड़े की मात्रा की बात करें तो राजधानी लखनऊ तकरीबन 2300 मैट्रिक टन कूड़ा निकालती है। पहले ये कूड़ा IIM रोड स्थित घैला पुल के पास इकट्ठा किया जाता था। बढ़ते समय के साथ वहां लाखों मैट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा हो गया जिससे शहर आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलने लगा। तब उस स्थान से कूड़ा मेरे पास लाया गया। अब उस स्थान पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है। अब जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको निस्तारण का जिम्मा नगर निगम लखनऊ और भूमि ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी को मिला है। इस कंपनी को नगर निगम लखनऊ द्वारा अनुबंधित किया गया है और नगर निगम लखनऊ के द्वारा कूड़े के ढेर की जगह हरियाली लाने की मुहिम जारी है। आपको बता दें कि लगभग 18 लाख मैट्रिक टन कूड़ा मेरे क्षेत्र यानी शिवरी प्लांट में था। उसके बाद शुरू किया गया निस्तारण अभियान।
जिसके तहत तक बेहतर तरीके से काम करते हुए 4 लाख मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण कर दिया गया है। अब कहा जाए ये निस्तारण कैसे किया जा रहा है, तो आपको बता दूं कि इस कूड़े को 4 भागों में बांटकर निस्तारित किया जा रहा है, जिसमें पहले आता है कूड़े से बनी 6 mm की खाद रूपी मिट्टी, उसके बाद 6 से 22 mm की मिट्टी जो कि मकानों आदि में आधार यानी भराई के काम आती है, तीसरी बाई प्रोडक्ट है जिसमें बड़े ढीला पत्थर ईंटों के टुकड़े आदि आते हैं जो भी मकानों आदि में आधार यानी भराई के काम आती है, और चौथा बाई प्रोडक्ट है रिफ्यूज डेरिव्ड फ्यूल जो ज्वलनशील पदार्थ के रूप में सीमेंट फैक्ट्री आदि को भेज दिया जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं मेरी उस व्यवस्था को जिसमें कूड़े को 4 भागों में आधुनिक मशीनरी के माध्यम से 4 भागों में बांटा जा रहा है। अब हम जानेंगे इस शिवरी प्लांट के प्रोजेक्ट हेड अभिषेक सिंह से यहाँ की प्रक्रिया के विषय में। इस समय हम राजधानी लखनऊ से तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए हैं और हम आपको ऐसी जगह पर लेकर के आए हैं जिस जगह को आप देखकर खुद दंग रह जाएंगे कि इतना बड़ा पहाड़ इस लखनऊ में कैसे बन गया, क्योंकि जो हमारे पीछे आपको कैमरे में दिख रहा होगा जो पहाड़ दिख रहा है ये पहाड़ी इलाकों पर ही दिखता है, लेकिन अभी मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है साफ तौर पर वो आप देख सकते हैं लखनऊ यानी पूरे राजधानी लखनऊ का जो कूड़ा है यानी वहाँ से जो कूड़े उठाए जाते हैं उन कूड़े को ला करके यहाँ पर डंप किया जाता है। और अगर बात की जाए लखनऊ राजधानी की अगर केंद्र बिंदु हजरतगंज चौराहा तो वहाँ से तकरीबन 26 किलोमीटर ये दूरी है और इस जगह का नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको उस पहाड़ को दिखाऊंगा जिस पहाड़ को पूरे लखनऊ के घर से ला करके यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। तो आप देखिए बड़ी बड़ी मशीनें भी यहाँ चल रही हैं, क्या है ये पूरा मामला मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। फिलहाल इस जगह के बारे में मैं आपको बता दूँ ये जगह राजधानी लखनऊ से तकरीबन 25 किलोमीटर से 26 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर ये कूड़े का बड़ा पहाड़ है, यानी हम पहाड़ी इलाकों में नहीं हैं, ये कूड़े का पहाड़ है जो आपके घरों से निकलता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस जगह का नाम और हम आपको ले कर चलते हैं कि किस तरीके से आपके घरों का कूड़ा यहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद उस कूड़े के साथ क्या क्या किया जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो जगह है उस जगह का नाम है सिवरी प्लांट, यानी यहाँ पर पूरे राजधानी लखनऊ के एक एक प्रत्येक घर से यहाँ पर कूड़ा पहुँचाया जाता है, वो कूड़ा जो आप अपने घरों से निकाल कर कूड़ेदान में डालते हैं। तो उस जगह पे हम आपको लेके चलेंगे और उस सच्चाई को आपको दिखाएंगे कि कितना कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा है और उस कूड़े के साथ क्या किया जाता है, उन कूड़ों को किस तरीके से पृथक किया जाता है और कहाँ भेजा जाता है। और इस जगह पर जिस जगह पर इस समय हम लोग हैं हमारे साथ अभिषेक जी हैं साथ में मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और ये हमको लेकर कहाँ कहाँ चलने वाले हैं ये इनसे जानकारी लेते हैं। सर अभी आप हमको कहाँ पर लेकर चलने वाले हैं और क्या दिखाने वाले हैं? सर अभी जो हमारा प्रोसेसिंग हो रही है हम उसको आपको दिखाने वाले हैं कि प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से एक मिक्स कूड़े को डालकर हॉपर में 5 भागों में विभक्त किया जा रहा है। ऑटोमेटिक मशीन है, 5 भागों में बांटती है और हर एक भाग का अलग अलग उपयोग होता है, अलग अलग उसका निस्तारण किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरीके से कूड़े का निस्तारण यहाँ किया जा रहा है और कहाँ पर ये इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद किस तरीके से कहाँ पर पहुँचाया जाता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इस समय अब हम मौजूद हैं उस जगह पर जहाँ पर मशीनों के द्वारा उन कूड़ों को पृथक्करण किया जा रहा है, यानी उनको उनका विभाजन करके उनको अलग अलग किया जा रहा है। अब हम पूछते हैं कि क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के तहत यहाँ पर आप पूरे शहर के कूड़े को निस्तारित करते हैं और क्या बन जाता है बाद में? सबसे पहले कूड़े को जब हॉपर में लिया जाता है तो वो 5 भागों में यहाँ पर टूटता है, जैसे हमने आपको पहले बताया था। उसमें पहला भाग है कि जो कूड़े का जो क्षरण हो गया होता है, मीन्स जो डिकम्पोज होता है कूड़ा, तो उसमें जो खाद के रूप में जो मट्टी रहती है वो अलग कर लेते हैं पहले। इसके बाद फिर वो ईंटा पत्थर जो भी रहता है उसको अलग करते हैं, दूसरा तीसरा फिर जो उसका मोटी मिट्टी कोर सैंड जिसको बोलते हैं वो अलग होता है, और एक RDF जो है ना रिफ्यूज ड्राई फ्यूल जो जलने वाला जलने के काम में आता है, जो चीज़ें ज्वलनशील चीज़ें हैं वो अलग हो जाती है, और पाँचवा जो होता है वो मतलब उसको बार बार रिप्रोसेस किया जाता है कि वो कहीं प्रोसेस नहीं होता है, तो उसको बार बार उसको चक्रण में घुमाया जाता है ताकि उसका जो भी चीज़ें हैं जो उसका अपघटन होता है उसके बाद फिर उसको यूज किया जाता है। तो जैसे RDF है तो RDF को तो हम सीमेंट प्लांट्स और
और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स इन सब में भेजते हैं। तो ऑलमोस्ट अब तक जो है हम लोग 65,000 के करीब, 70,000, 65-70 के बीच में 1,000 मीट्रिक टन भेज चुके हैं बाहर। और इसी तरीके से हमारा जो इनर्ट वगैरह है वो भी 50-60,000 के करीब में बाहर गया हुआ है। 70,000 मीट्रिक टन के करीब हम लगभग ये आपका कोरसेंड जो 20 mm है वो निकाल चुके हैं। खाद भी हम लगभग 1,000-1,200 मीट्रिक टन बाहर भेज चुके हैं। तो इन सबका जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है RDF का निस्तारण जो सीमेंट फैक्ट्रीज में हो रहा है उसका हमको को प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो सारी चीज़ें वैज्ञानिक तरीके से ही हो रही हैं। और इससे जैसे कि जो हम खाद है या हमारा बायोसॉइल है, तो इससे हम लोग यहाँ पर, हम लोगों ने एक यहाँ पर सीड जर्मिनेशन किया हुआ है, तो उसको भी आपको हम दिखाएंगे। तो गमले में हम इसको डाल करके और हमने इसमें सीड से उसमें पौधे लगाए हैं, तो मतलब वो किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। और पटान के लिए, लोलैंड एरिया कुछ भी, मतलब बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका, आप कर सकते हैं। और चूंकि अपने ही शहर का कूड़ा है, अपने शहर में ही अगर इसका पटान वगैरह जो भी ज़रूरत हो तो हो जाए तो अच्छा है। कितना मीट्रिक टन कूड़ा आपके पास जमा है अभी यहाँ पर जिसका आपको निस्तारण करना है? अभी हमारे पास 18.5 लाख टन में से 4.5 लाख टन मीट्रिक टन लगभग हो चुका है, और बाकी जो है प्रोसेस पे है। 14-15 लाख जो भी है मीट्रिक टन वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। और सर इस तरीके से मुझे लगता है कि 18 महीने का जो समय है वो पर्याप्त होगा। तो अब हम उस फैक्ट्री से बाहर निकल आए हैं जहाँ पर अभी हम आपको लेकर के गए थे और दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर जो कूड़े आते हैं शहर से, उन कूड़ों को किस तरीके से पृथक किया जाता है, किस तरीके की उसमें चीज़ें बनाई जाती है। अब इस समय जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रकें आ रही हैं, उनका यहाँ पर क्या काम होता है, किस तरीके से गाड़ियाँ आती हैं, क्या लोडिंग होता है, ये जो कांटा हो रहा है क्या है सिस्टम? जो हमारे नगर निगम एरिया में जो घरों से कूड़ा निकलता है वो इन ट्रकों के माध्यम से यहाँ पर लाया जाता है। और वेब्रिज पर जो लगा हुआ है ये कांटा, ये 100 मीट्रिक टन कैपेसिटी का कांटा इसीलिए लगाया गया है, आधुनिक कांटा है ये। और इसमें आधुनिक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ये स्मार्ट सिटी से भी कनेक्टेड है, तो इससे पर डे का इससे जो है हम वेजमेंट करते हैं कि कितना मीट्रिक टन कूड़ा आज हमारे पास हमारे प्लांट पे रिसीव हुआ। तो ऑन एवरेज लगभग प्रतिदिन कितना मीट्रिक टन कूड़ा आपको मिल रहा है? ऑन एवरेज आप लगा मतलब कह सकते हैं 2300-2400 मीट्रिक टन के करीब कूड़ा प्रतिदिन हमको प्राप्त होता है यहाँ प्लांट पर। अब इस समय हम जहाँ पर हैं यहाँ पर कूड़े से निकलने वाला आप देखोगे लीचेट है, ये कितना गंदा पानी है, काला है बिल्कुल, यानी इसको अगर कहा जा सकता है तो बहुत ही जहरीला होगा जिस तरीके से इसका कलर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों ने इसको किस तरीके से प्योरीफाई किया है वो हम जानते हैं। इनके हाथ में ग्लास है, इस ग्लास में ये कौन सा पानी है कि क्या पीने योग्य वाटर है? इस लीचेट को हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन से प्योरीफाई करते हैं और इस लीचेट को पीने योग्य बना लेते हैं। अब ये पानी कहीं भी हम चला जाए कोई हमको परेशानी नहीं है, इस पानी का बिल्कुल हम कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, गार्डनिंग में किसी भी चीज़ में। तो अब ये लीचट हमारे लिए जो है हानिकारक नहीं है। अब हम इसको पूरा परिवर्तित कर दे रहे हैं, इसको पूरे इसका गुण मतलब इसका रंग और सारी चीज़ों को और इसके जितने बैक्टीरिया फैक्टीरिया सब ख़त्म करके इसको पीने योग्य बना करके तब इसको हम बागवानी में उन चीज़ों में यूज करते हैं। कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में और बड़े कारखानों में ऐसी चीज़ें होती थी जिनसे गंदगियाँ निकलती थी और कहीं ना कहीं बीमारियाँ फैलती थी, लेकिन लखनऊ नगर निगम ने जो व्यवस्था बनाई यहाँ पर उसको मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जो अभी यहाँ पर आपको ये गंदा पानी दिख रहा है, अगर सरल भाषाओं में कहें इसको लीचेट बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, तो ये इसको इन्होंने प्योरीफाई किया है, वो पीने योग्य भी बनाया और खेत में डालने के योग्य भी बनाया है। तो ऐसे में जो कूड़े से पानी लगातार गंदा टपकता है, जो निकलता है, उसका इन्होंने ये बनाया है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो ये गंदा पानी था अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई समस्या जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जमीन का भूगर्भीय जल को ये कतई प्रदूषित नहीं करेगा। जो मेरे हाथ में सैंपल है, जो मशीन आप मशीन भी दिखा सकते हैं, मशीन लगातार चल रही है और इसके द्वारा निकला हुआ ये उत्पाद है। ये मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार कि इस मशीन के द्वारा ही इसमें जो ये बोतल में पानी रखा है यही है, तो एक बार ये बोतल दिखाओ कि इस बोतल में पानी, ये काले जो पानी आपको दिख रहा है बोतल में, ये काला बोतल, इसमें पहले लीचेट है, उसके बाद इसको प्योरीफाई करके एक साफ पानी बनाया गया। तो ऐसे में ये खेतों में जाने वाली गंदगी को भी रोकेगा, इस पानी को पीने योग्य बनाया गया है और जो भूगर्भ है उसको ये उस चीज़ को ये स्वच्छ रखेगा, उसमें कोई भी फसल खराब नहीं होगी।
तो यहाँ हमने बारीकी से जाना कि किस तरह मुझे यानी शिवरी प्लांट को बेहतर करने के साथ साथ हरियाली पूर्ण बनाया जा रहा है। उसके बाद मेरी यानी शिवरी प्लांट के बेहतर क्रियान्वयन को हम जानेंगे यहाँ के इंजीनियर शंभू कुमार से। हालांकि अभी तक यहाँ पर इको ग्रीन कंपनी कुछ दिन पहले काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई। उसके बाद यहाँ पर भूमि ग्रीन कंपनी को काम मिला है, यानी जो यहाँ पर 18 लाख मीट्रिक टन का कूड़ा यहाँ पर जमा था, उसके निस्तारण के लिए भूमि ग्रीन कंपनी को काम मिला था। और उस कंपनी के ही एक एम्प्लॉई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। सर, किस तरीके से आपकी कंपनी काम कर रही है, किन मशीनरी का उपयोग कर रही है और किस तरीके से रोज़ाना लगभग कितने कूड़े यहाँ से हटाए जा रहे हैं? सर, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने लगभग मार्च महीने से काम चालू किया है। मार्च महीने के बाद से लेके अभी तक हमने 4 लाख मेट्रिक टन का काम पूरा कर चुके हैं हम लोग। इसमें हम लोग सर 5 लेयर सेग्रीगेशन करते हैं, जिसमें ट्रोमल्स आते हैं, एयरडेंसी सेपरेटर आते हैं, फिर बैलिस्टिक सेपरेटर आते हैं, फिर मैनुअल सेग्रीगेशन वगैरह आते हैं। ऐसी कई प्रकार की चीज़ें हैं जिससे हम लोग कूड़ा को सेग्रीगेट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सर, हम लोग उसको स्टेबिलाइजेशन करते हैं, जिससे आसपास पड़ोस में कभी बीमारी ना फैले, कोई किसी को यू नो हेल्थ की कोई इश्यूज हो तो ऐसे कुछ कभी भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उसको स्टेबिलाइजेशन करते हैं, जो कि नियमित रूप से हमें जो बताया गया है उसको, उसी गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करके हम लोग पूरा कचरे को प्रोसेस कर रहे हैं। अभी जो आपको लक्ष्य रखा गया है, कितने लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी शेष है और कितने समय आपके लिए बचा है जिसको आपका निस्तारण करना है? सर, हमारे पास लगभग 12 महीने बचा है, 12 से 14 महीने का समय है हमारे पास। 18.5 लाख का हमें जो टारगेट दिया गया था उसमें से हम लोग 4 लाख 4.25 लाख मेट्रिक टन कचरा ख़त्म कर रहे हैं, और हमारा क्षमता जो है हम लोग रोज़ 4000 मेट्रिक टन कूड़ा प्रोसेस कर रहे हैं। अब ये तो बात हो गई मेरी प्रक्रिया और व्यवस्थाओं की, पर मुझे संभालने और बेहतर बनाने के आधार बने उन लोगों की चर्चा भी बहुत जरूरी है, जिनके बड़े और ऐतिहासिक निर्णय के बाद ही मैं कूड़े से हरियाली में तब्दील होने की राह पर हूँ। तो मिलिए सबसे पहले एक एक बात को गंभीरता से लेने के साथ मुझे बेहतर बनाने के लिए शिल्पी डॉक्टर अरविंद राव से। हमारे साथ बात करने के लिए अपर नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद कुमार राव साहब हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, वहाँ पर इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ था, लगभग 18 लाख मीट्रिक टन, उसके बाद कौन सी कंपनी आती है और आपने किस तरीके से जागरूक किया, कब वो वहाँ से गायब हो रहा है? देखिए, ये हमारा वो साइट 2007 में जमीन चयनित की गई थी, नगर विकास विभाग के नाम से ट्रांसफ़र किया गया था, और 2009-10 से ही वहाँ पर कूड़ा गिरना चालू किया गया था। इसके पहले जो कंपनी हमारी थी, इको ग्रीन कंपनी थी, उसको डोर टू डोर कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग भी करना था, लेकिन उन्होंने प्रोसेसिंग का एक भी कुछ भी नहीं काम किया, जिसके क्रम में इतने सालों में करीब 18 लाख टन तो लीगेसी इकट्ठा हो गया था। ये 2 साल पहले का डाटा है। अभी आप जब हमने शुरू किया, मार्च में उसका क्वांटिफिकेशन कराया है, तो ये 26 लाख मेट्रिक टन था। 26 लाख मेट्रिक टन से हमने प्रोसेसिंग चालू किया है। आज की डेट में आपने देखा होगा कि 4 लाख मेट्रिक टन की प्रोसेसिंग हो गई है। रोज करीब जो है 1200 टन जो है हमारा RDF जा रहा है सीमेंट फैक्ट्रियों में, बाकी बायोसाल और इनर्ट ये सारी चीज़ें लोकल डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं ऑन डिमांड। और इसके लिए फिर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने ही हमको इसके लिए लीगेसी ख़त्म करने के लिए जो आप 18 लाख मेट्रिक टन बता रहे हैं, तो उस समय हम लोगों ने जो क्वांटिफिकेशन किया था 2 साल पहले, तो सरकार ने उसमें 96 करोड़ रुपया हमें दिया था जी। फिर इसका हमने टेंडर किया था, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो हमको टेंडर के द्वारा ही कार्यदायी संस्था चयनित हुई है और उसी के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। ये जो कंपनी है अनुभवी कंपनी है और इस करीब हिंदुस्तान में 5 जगहों पर इनके काम चल रहे हैं, तो ये सब देख के मेयर मैडम ने खुद ही साइट विजिट किया था इनका, जहाँ ये काम कर रहे थे, नगर आयुक्त साहब भी गए थे, हम लोग भी गए थे, सब देख हो के बिल्कुल जांच परख के इनको वर्क आर्डर दिया गया था, और उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है कि काम कर भी रहे, जैसा कि आप लोग भी देख के आए हो। सर, क्या लगता है अभी जिस तरीके से अगर बात की जाए तो तकरीबन 4 लाख मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ से हटाया जा चुका है अब तक, अभी भी उसमें शेष बचे हुआ, तो कितना समय कंपनी को दिया गया और कितना समय लग सकता है इसमें? देखिए, कंपनी को हम लोगों ने दिया है 15 महीने प्लस 3 महीने का उनका जैसे रेनी सीजन का, कुल 18 महीने का है। तो 18 महीने में हमारा 18 लाख का मेट्रिक टन हो सकता है, ये
2 लाख मेट्रिक टन और ज़्यादा ही कर लें, क्योंकि रफ्तार इनकी जितना हम लोग सोचे तो उससे तेज़ है। अभी थोड़ा बिजली वगैरह का इशू था, हम जनरेटर चला रहे हैं। अभी एक हफ्ते में हमको पूरा 1500 किलोवाट का कनेक्शन हमारा चालू हो जाएगा, इंटीग्रेटेड लाइन मिल जाएगी, जिसके लिए हम लोग पैसा जमा कर चुके हैं। तो ये प्रोडक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा और सिविल के काम भी वहाँ थे वो सब पूरे हो गए हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि आप 18 महीना डेड लाइन समझ लीजिए, 18 महीने में 20 लाख मेट्रिक टन ये कर देंगे। सर, अभी तक वहाँ पर जो कूड़ा इको ग्रीन कंपनी ने लगाया था उसको हटाने के लिए तो प्रबंध कर दिया आपने, लेकिन आगे अभी जो और लगाए जा रहे हैं कूड़े का डंप जो और हो रहा है शहर से निकल रहा, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या व्यवस्थाएँ हो रही? देखिए, इसके लिए आपने देखा होगा बगल में 26 हेक्टेयर ज़मीन और खाली हुई है। हम जो नया कूड़ा इधर से जा रहा है हम वहीं कर रहे हैं उसको, उसका प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है और उसका बिल्कुल अभी वो तब से जब से हमने उन्हें शुरू किया उसको अलग कर दिया कि मिक्स ना होने पावे इधर से। और उसके लिए आज ही कार्यकारिणी में हम लोगों ने शॉर्ट टर्म टेंडर की अनुमति ली है, कार्यकारिणी ने पास कर दिया है। इसमें 2 तरीके के टेंडर हम करने जा रहे हैं, एक तो लंबे समय के लिए जिसमें पावर प्लांट ये सब हम लगाएंगे, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा खर्चा है, उसका बड़ा टेंडर है। तो उस टेंडर को एग्जीक्यूट होने में और धरातल पे काम शुरू होने में करीब 2.5 से 3 साल लगने की पूरी संभावना है। तो अगर हम कल किसी को टेंडर अवार्ड कर दें और फिर हमारा जब काम चालू होगा कम से कम 3 साल बाद चालू होगा, तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा फिर से 21 लाख मेट्रिक टन का लीगेसी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इस समय जनरेशन 2 लाख 2 हज़ार से 2.5 हज़ार मेट्रिक टन पर डे का जनरेशन है। तो अभी कार्यकारिणी समिति ने यही निर्णय लिया था कि एक तत्काल जो है शॉर्ट टर्म टेंडर आवन निविदा बुला के 3 साल के लिए या 2.5 साल के लिए या 2 साल के लिए एक कोई कार्यदायी संस्था ले आई जाए जो आज से कल से ही प्रोसेसिंग चालू कर दे। छोटा टेंडर रहता है तो छोटा इंस्ट्रूमेंट लगता है, प्रोसीजर वही रहेगा, RDF डेवलप होगा, RDF कोई डिस्पोज करेंगे, जो पावर प्लांट लगता है उसमें RDF ही बंद कर दिया जाता है, दोनों में बेसिक अंतर यही है। सर, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि जो सिवरी पे प्लांट लगा हुआ है कूड़ा वहाँ पहुँच रहा है, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद में जो घरों से कूड़ा निकल करके पड़ाव घर पे पहुँच रहा है वो कहीं ना कहीं बीमारी को दावत दे रहा है, उसको हटाने का क्या प्रबंध है, उसके लिए कोई डायरेक्ट व्यवस्था है जो सीधे वो प्लांट तक पहुँचे, ना कि कहीं शहर में उसको स्टोरेज किया जाए? अभी आप देख रहे हो कितना रिफार्म हो रहा है। अभी आपको मैंने आते समय दिखाया था कि गाड़ियाँ आई हैं, कूड़ा उठा के रख के आती है, फिर धुली जाती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अभी आगे 1 साल में और देखने को मिलेगा। इसका प्रोसीजर ये है कि डोर टू डोर हम कूड़ा जो इकट्ठा कर रहे हैं, अभी तक आप खुले कूड़ा घर और पड़ाव घरों में देखते थे। अभी आपको हमारे इन्वायरमेंटल इंजीनियर साहब ने दिखाया हुआ कैप्सूल, वो कैप्सूल वही है कि यहाँ से अगर प्राइमरी कलेक्शन करके गाड़ी जाएगी तो खुले में नहीं गिराएगी, उसी कैप्सूल में गिराएगी। और कैप्सूल की क्षमता वो कॉम्पैक्टर जैसी होती है कि सामान्य हाईवा अगर 4 हाईवा 5 हाईवा का कूड़ा एक साथ डाल दिया जाए तो उसी कैप्सूल में कंप्रेस हो जाता है। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा बचेगा और बाकी जो तमाम बार आप लोग PDF दिखाते हो कि खुला कूड़ा जा रहा, कूड़ा उड़ रहा, वो सब चीज़ों से 6 महीना वेट करिए। उसके बाद अब बारी आती है लखनऊ की महापौर, जिनका काम ही उनकी पहचान है। तो सुनिए मेरी व्यवस्था महापौर सुषमा खर्कबाल के द्वारा। जिसने सिवरी 1 साल पहले देखा है और वो आ जाए, या अगर देखा नहीं है तो वहाँ के आसपास के गांव से सर्वे कर लीजिए आज और कल की स्थिति क्या थी सिवरी की। हमारा टारगेट सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय लखनऊ के लोकप्रिय सांसद रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का स्पष्ट आदेश है कि लखनऊ साफ स्वच्छ होना चाहिए। अब हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जो अपनी ईमानदारी और निष्ठा के चलते मुझे बेहतर बनाने की मुहिम के रचनाकार हैं, लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह। शिवरी में लखनऊ नगर निगम जो कूड़ा था वो 20 लाख मेट्रिक टन से वहाँ पे जमा था, जो लेगेसी वेस्ट की कैटेगरी में होता है, और पिछले 6 महीनों से उस पर काम चल रहा है। अभी तक हम लोग जो है उसमें से 4 लाख मेट्रिक टन काम कर चुके हैं और जो है 5 एकड़ ज़मीन उसको हम रिकवर कर चुके हैं। डेली 4000 टन जो है उसका प्रोसेस होता है। 2 प्लांट लगे हैं, 2 लाइंस लगी हैं और ये जो है टेंडर जब हुआ था उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और अब हम इसको जो है अगले 2 सालों में बिल्कुल 0 कर ले जाएंगे। इसके साथ साथ हमने जो लीचेड ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है इस बार लीचेड भी वहाँ पर 0 हमने किया है और हमने पूरा हरियाली वो प्लांट लगाए हैं जो वहाँ से जो धरती में टॉक्सिक है उसको ऑब्जॉर्व कर सके और साथ ही प्रक्रिया चल रही है कि फ्रेश मिस्ट भी जीरो किया। तो यहाँ हमने सबकी बात कर ली,
पर उन लोगों को नहीं भूल सकते जो भले ही अधिकारी नहीं कर्मचारी ही हैं, पर इन 100 कर्म योगियों के चलते लखनऊ एक बड़े बदलाव का साक्षी बनता नजर आ रहा है। तो आपने देखा किस तरह से एक बड़े भागीरथी प्रयास के माध्यम से शिवरी को संवारने और लखनऊ को स्वच्छ बनाने की मुहिम जारी है और आने वाले समय में जिस तरह से शिवरी को हरियाली से परिपूर्ण करने के लिए पार्क भी बनाए जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में लोग शिवरी को महज कूड़ा निस्तारण प्लांट के नाम से ही नहीं बल्कि लखनऊ की शान, जो लखनऊ को स्वच्छ रखने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, उस रूप में जानेंगे और उसका नया नाम होगा परिवर्तन केंद्र। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बड़े भागीरथी प्रयास के माध्यम से शिवरी को संवारने और लखनऊ को स्वच्छ बनाने की मुहिम लगातार जारी है और आने वाले समय में जिस तरह से शिवरी को हरियाली से परिपूर्ण करने के लिए पार्क भी बनाए जा रहे हैं और उससे आने वाले समय में लोग शिवरी को महज कूड़ा निस्तारण प्लांट के नाम से ही नहीं बल्कि लखनऊ की शान, जो लखनऊ को स्वच्छ रखने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, उस रूप में जानेंगे और उसका नया नाम होगा परिवर्तन केंद्र। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।